So, a very good morning all. I am Shwetank and this is Unacademy's YouTube platform, Unacademy UPSC. हम अभी इंटरनेशनल रिलेशंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक समझने वाले हैं. रशिया और यूक्रेन की क्राइसिस वापस से बढ़ गई है, एक नया इशू क्रिएट हो गया है. सो वी हैव टू लुक इनटू कि क्या एग्जैक्टली क्या हुआ है व्लादिमीर ज़ेलेंस्की और व्लादिमीर पुतिन के बीच में. कौन सा नया इशू क्रिएट हो गया, क्या ऐसा इशू है. एक्चुअली ये एक ऑनगोइंग इशू है जहाँ पर फिर से कोई अपडेट हुई है, अपग्रेडेशन हुई है और इसका इम्पैक्ट वर्ल्ड पॉलिटिक्स पर पड़ रहा है. कभी ज़ेलेंस्की बाइडेन से बात कर रहे हैं, कभी पुतिन नेटो के बारे में स्टेटमेंट दिलवा रहे हैं अपनी से. सो देयर इज समथिंग एवरी डे बिल्डिंग अप. सो लेट्स मूव, लेट्स स्टार्ट एंड लेट्स सी कि क्या हो क्या रहा है. सो पहले 26th ऑफ मार्च को न्यूज़ आई कि कीव ने बताया, कीव यानी कि यूक्रेन की कैपिटल से न्यूज़ आई कि फोर सोल्जर्स हैव बीन किल्ड इन बॉम्बिंग एक्शन इन यूक्रेन. हु हैव किल्ड देम, व्हाट हैपेंड, हम डिस्कस करते हैं. उसके बाद रशिया की जो ट्रूप्स हैं वो बढ़ने लगी यूक्रेन और रशिया की बॉर्डर पे, और इससे नेटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन परेशान हो गई. उसके बाद एक न्यूज़ आई कि यूरोपियन यूनियन ने कहा है कि रशियन ट्रूप जो हैं वो यूक्रेन की तरफ ना बढ़ें, ऐसा बिल्कुल ना करें. और उसके बाद आप देखते हैं कि जो बाइडन यानी 46th अमेरिकन प्रेसिडेंट बात करते हैं प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की से, व्लादिमीर ज़ेलेंस्की यूक्रेनियन प्रेसिडेंट से, ठीक है, टू रीअश्योर यूक्रेन की अगर समथिंग हैपन्स, इफ समथिंग कम्स अप, कोई नया इशू क्रिएट होता है तो यूक्रेन की हेल्प करने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स आएगा. सो हम डिटेल में देखेंगे एक्चुअली हुआ क्या. ठीक है, चार सोल्जर्स मरे लेकिन क्यों मरे, क्या रीज़न था, और उसके बाद व्हाट रियली मेड दिस कंडीशन इन पास्ट 10 डेज. ठीक है, 26 मार्च से लेके आज की डेट तक आप देख रहे हैं कि सिचुएशन इतनी ज़्यादा मुश्किल हो गई है. सो लेट्स स्टार्ट द क्लास, लेट्स ग्रो थ्रू द होल टॉपिक अगेन. बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड लेट मी रिमाइंड यू, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन यूज अनअकैडमीज प्लेटफॉर्म फॉर योर प्रिपरेशन. ठीक है, देखो सीधी सी बात है, आपको करना क्या है, आपको अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करना है और उस ऐप में आपको फ्री क्लासेस अवेलेबल होंगी, उनको आप देख सकते हैं. आज सुबह 9 बजे एंशियंट हिस्ट्री की क्लास है, उसको आप अटेंड कर सकते हैं, मैं लूँगा. ठीक है, और उसके बाद वैसे ही और सारी क्लासेस भी अटेंड करिए, उन क्लासेस अगर आपको बेनिफिट मिले देन यू कैन गो एंड टेक सब्सक्रिप्शन. प्लस और आइकॉनिक में से एक सब्सक्रिप्शन ले लेंगे 1, 2 या 3 साल के लिए अकॉर्डिंगली टू योर नीड्स. ठीक है, SPYT कोड यूज़ कर लेंगे, उससे आपको 10% डिस्काउंट अलग से मिल जाएगा. जिस भी बैच में जिस भी तरह का आप इनरोलमेंट कराएंगे उसमें आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा. ठीक है, प्लस और आइकॉनिक में डिफरेंस क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ एक बार फिर से. आइकॉनिक सब्सक्रिप्शनशिप में यू विल गेट अ पर्सनल गाइडेंस प्रोग्राम. ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें एक स्पेसिफिक मेंटोर होंगे जो क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है, कैसे पढ़ना है, टेस्ट एनालिसिस, स्टडी प्लानिंग, इन सारी चीज़ों में आपकी हेल्प करेंगे. ठीक है, सो ओवरऑल आपके काम को बहुत ईजी बना देंगे. तो ये बेसिक डिफरेंस है जो दोनों प्लान में है, जिनको नहीं पता है उनके लिए. और अगेन एक बार आप सब्सक्रिप्शन ले लें उसके बाद से ये वो बैचेज हैं जो 7 अप्रैल से स्टार्ट होंगी. ठीक है, तो यानी आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं. और इन बैचेस को ज्वाइन करने के अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज और ये है कि फ्री टेस्ट सीरीज ऑनगोइंग है. और क्योंकि आपको पता है जून में 27 जून को एग्जाम है तो उसके पहले ज्यादा से ज्यादा टेस्ट देते रहें. ठीक है, अब चलिए हम वापस आ जाते हैं कीव पे और क्या बात हुई है, क्या चल रहा है उसको डिस्कस करते हैं. तो जैसे कि हम शुरू कहाँ से करेंगे कहानी, देखिए पहले तो आप मैप देख लीजिए और हुआ क्या है वो समझ लीजिए. तो अगर आप राइट हैंड साइड देखेंगे तो ग्रे कलर में रशिया लिखा हुआ है और उसके बगल में यूक्रेन लिखा हुआ है. ठीक है, अब रशिया और यूक्रेन की जब हम बात करते हैं तो लेट मी फर्स्ट कम एंड एक्सप्लेन यू दिस होल थिंग कि भाई देखिए ये रहा रशिया. ठीक है, जस्ट गिव मी अ मोमेंट एवरीवन. ये रहा लेफ्ट, राइट हैंड साइड में आपको रशिया दिख रहा है और लेफ्ट हैंड साइड में यूक्रेन. ठीक है, और यहाँ पे दो और जगहों के नाम लिखे हैं, वो दैट इज डोनेट्स्क और लुहान्स्क. ठीक है, और ये नीचे है क्रिमिया. अब क्रिमिया के बारे में अगेन एंड अगेन आई हैव बीन टीचिंग यू गाइस कि भाई देखें सीधी सी बात है, क्रिमिया पे 2014 में रशिया ने कब्जा कर लिया, उसके पहले यूक्रेन का ही पार्ट थी क्रिमिया. ठीक है, अगर आपको ओवरऑल सेटिंग देखनी है इन कंट्रीज़ की तो आप ऊपर राइट हैंड साइड ऑन द टॉप देख सकते हैं कि ये रहा मेडिटेरेनियन सी, ये रहा इटली, ये रहा ग्रीस, ये है टर्की और उसके ऊपर आपको दिख रहा है यूक्रेन, ये है रशिया. ठीक है, अब ये दो स्टेट्स हैं, इन्हीं को आप कहते हैं ईस्टर्न रीजन ऑफ यूक्रेन. यहाँ पे हमेशा इशू चलता रहता है और यहाँ पे हमेशा मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन जो कि रशियन सपोर्ट से एक्टिव है, रशियन सपोर्ट से एक्टिव मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन इस एरिया में एक्टिव रहती हैं, लुहान्स और डोनेट्स्क में. ठीक है, अब देखो हुआ क्या, 26 मार्च को यूक्रेनियन मिलिट्री ने कहा कि उनके 4 सोल्जर्स को मार दिया गया है, दे हैव बीन किल्ड बाई शेलिंग. ठीक है, शेलिंग यानी
जो तोप के गोले गिरते हैं उनसे उनके 4 सोल्जर्स की डेथ हो गई है। और ये तोप के गोले किसने गिराए? रेबल ग्रुप्स जिनका कंट्रोल है इन रीजन्स पे, डोंटेस्क और लुहांस के कुछ रीजन्स पे। इन टोटल वापस एक बार रिमाइंड कराया गया कि 2014 के बाद से, यानी जब से रशिया ने क्रिमिया के ऊपर कब्जा किया है और इन एरियाज में रशियन इन्फ्लुएंस बढ़ना शुरू हुआ है, उसके बाद से अभी तक 13,000 पीपल हैव बीन किल्ड टिल नाउ। तो कोई छोटा मामला नहीं है, बहुत बड़ी बात है, 13,000 लोगों की डेथ हुई है। अब हम जब यहाँ पे बात कर रहे हैं तो आप कहेंगे सर ये हो कैसे रहा है, ये कैसे हो सकता है कि एक कंट्री में ये पूरे का पूरा इशू हो रहा है और अब ज़्यादा हाईलाइट नहीं हो रहा है, ज़्यादा इशू नहीं क्रिएट हो रहा है। तो लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये हो क्यों रहा है। तो इसको समझने के लिए पहले हम आपके सामने एक यूक्रेन का मैप दिख रहा है और ये यूक्रेन का एथनोग्राफिक मैप है। एथनोग्राफिक मतलब यूक्रेन में कौन सी एथनिसिटी के लोग किस एरिया में रहते हैं उसका ये मैप है। जैसे अगर आप इंडिया का एक एथनोग्राफिक मैप देखने की कोशिश करें तो एक जगह पे आपको एथनिक पंजाबी लोग दिखेंगे, कुछ एरिया में आपको यूपी बिहार ईस्टर्न यूपी के लोग दिखेंगे, एक एरिया में आपको नीचे की ओर आपको तमिल पॉपुलेशन दिखने को मिलेगी या फिर तेलुगु पॉपुलेशन देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप एथनोग्राफिक मैप इंडिया का भी प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, और वो एथनोग्राफिक मैप जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट का प्लॉट करेंगे उसी तरीके से हमने यहाँ पे यूक्रेन का एथनोग्राफिक मैप ले लिया। अब अगर आप इसमें देखें तो रेड कलर जो है, ये लेफ्ट हैंड साइड ऑन द टॉप लेजेंड्स बने हुए हैं, तो आप रेड कलर का जो एरिया है ये है कौन से हैं, ये लोग हैं नेटिव यूक्रेनियंस मतलब जो 1200 AD के बाद से यूक्रेन में रहते हैं, दीज आर नेटिव यूक्रेनियंस। ठीक है, जो येलो कलर वाले एरियाज हैं, ठीक है, येलो कलर वाले एरिया ये हैं जो कि यहाँ अगर आप देखिए यहाँ पे नीचे की ओर यहाँ पे येलो कलर है, येलो कलर का मतलब है ये रशियन लोग हैं। ठीक है, जो नेटिव रशियन है लेकिन यूक्रेन में रहते हैं। अभी मैं समझाता हूँ कि ये कैसे हुआ। ये जो दूसरा एरिया है जो कि येलो कलर है और उसके ऊपर ब्राउन कलर से स्ट्रिप बनी हुई है, ये एथनिक रशियन पॉपुलेशन फिर से है और यहाँ पे अभी आप देख रहे हैं कि रशिया थोड़ा इन्फ्लुएंस भी रख रहा है। और नीचे वाला जो एरिया है ब्राउन वाला, जो क्रिमिया का पूरे का पूरा पेनिनसुला है, इसको अगर आप ध्यान से देखें तो ये पूरे का पूरा एथनिक रशियन मेजॉरिटी एरिया है। ठीक है, और यही है सारे बड़े इशू की जड़। याद रखिए जब हम सोवियत यूनियन की बात करते हैं और हम जब पुराने रशियन एम्पायर की बात करेंगे तो यूक्रेन के यही वो इलाके हैं जो डायरेक्टली ब्लैक सी और पूरे के पूरे रशियन एम्पायर को मेडिटेरेनियन सी में एक्सेस देते थे। और इसीलिए मॉस्को से बहुत दूर होने के बावजूद बहुत सारे नेटिव रशियंस जो थे वो यूक्रेन में ओवर द पीरियड शिफ्ट हो गए। इसीलिए आप देखेंगे कोस्टल एरियाज में यूक्रेन में भी रशियन एथनिसिटी के लोग रहते हैं। ठीक है, और 1991 तक यूक्रेन जो था वो सोवियत यूनियन का पार्ट था और इसलिए कभी कोई इशू क्रिएट नहीं होता था, कभी कोई प्रॉब्लम आती नहीं थी। ठीक है, फॉर एग्जांपल बिजनेस के लिए अगर यूपी वाले लोग महाराष्ट्र में जाके शिफ्ट हो जाएं तो प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन अगर कभी किसी कोई ऐसी सिचुएशन हो जब यूपी और महाराष्ट्र अलग अलग देशों का पार्ट हो तो फिर वो लोग जो यूपी से महाराष्ट्र गए होंगे उनके लिए डिफिकल्टी हो जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ वैसी सिचुएशन है। एक बार वापस मैप में देखिए और मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। देखिए, अब फॉर एग्जांपल मॉस्को है यहाँ पे, सेंट पीटर्सबर्ग है यहाँ पे, ये रहा मॉस्को, ये है सेंट पीटर्सबर्ग। ठीक है, अब यही वो एरिया है जिसका एक्सेस आपको चाहिए अगर आपको मेडिटेरेनियन सी में जाना है, ये बोस्फोरस का रास्ता। और ठीक है, अब इसलिए इन एरियाज में आपको रशियंस दिख जाएंगे जो ओवर द पीरियड इस एरिया में शिफ्ट हुए। लेकिन अब हुआ क्या, 1991 के बाद की प्रॉब्लम शुरू हुई और वो इशू अभी तक क्रिएट हो रहा है। अब जो इमीडिएट सिचुएशन है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी कि बात शुरू हुई 4 सोल्जर्स की डेथ से, लेकिन हमें इंपॉर्टेंट बात ये करनी है कि ये बॉर्डर एरियाज में क्या डिफिकल्टी हो रही है। तो ये वापस से देखें 2014 में हुआ क्या। तो ये वाला जो मैप है इसको अगर आप देखें अब, ठीक है, तो 2014 में आप देखेंगे लुहांस्क डोंटेस्क ये वो एरियाज हैं जिन पे कब्जा करने की कोशिश की गई, मेकिंग श्योर कि क्रिमिया के कब्जे को ज़्यादा यूक्रेनियन आर्मी अपोज ना करे। यानी यूक्रेन रशियन आर्मी जो है उसने यूक्रेन के क्रिमियन पेनिनसुला पे अटैक किया और कब्जा कर लिया। जब यूक्रेनियन आर्मी रिएक्ट करने आ रही थी उसी बीच बहुत सारे मिलिटेंट्स ने डोंटेस्क लुहांस और किरकिव पे भी अटैक करने की कोशिश की। ठीक है, अब इससे क्या हुआ, इससे हुआ ये कि यूक्रेन की आर्मी को इधर से मूव करके अपने ईस्टर्न एरियाज को बचाने जाना पड़ा और इन द मीन टाइम रशियन आर्मी ने पूरे के पूरे क्रिमियन पेनिनसुला पे कब्जा कर लिया। ठीक है,
अब उसके बाद से अगर आप देखेंगे, उसके बाद से डोनेट्स्क और लुहानस्क में अभी भी मिलिटेंसी एग्जिस्ट कर रही है, खरकेव में अभी भी मिलिटेंसी एग्जिस्ट करती है, और ये वही मिलिटेंसी है जो कि रशियन सपोर्टर, क्योंकि यहाँ एथनिक रशियन लोग रहते हैं, ठीक है, एथनिक रशियन लोग रहते हैं, और ये लोग चाहते हैं कि अगर रशिया में ये वापस से जुड़ जाएं, जैसे कि क्रिमिया जुड़ गया तो इनको दिक्कत नहीं है, लेकिन यूक्रेन ये होने नहीं देगा। यूक्रेन क्यों होने देगा भाई? यूक्रेन का कहना है कि 1991 में ये सारी चीज़ें रिजॉल्व हो चुकी हैं, हमें एक पर्टिकुलर हिस्सा मिल चुका है यूक्रेन का, और अब हम उसे छोटा या चेंज नहीं करना चाहते। और अब यहाँ पर एंट्री होती है यूक्रेनियन प्रेसिडेंट की, व्लादिमीर ज़ेलेंस्की। अब याद रखिएगा, व्लादिमीर दोनों ही नेताओं का, ठीक है, रशियन प्रेसिडेंट का नाम भी व्लादिमीर पुतिन है और यूक्रेनियन प्रेसिडेंट का नाम भी व्लादिमीर ज़ेलेंस्की है, ठीक है। स्पेलिंग थोड़ी सी अलग है, वो एक्सेंट अलग अलग जगहों की अलग होने की वजह से, ठीक है। सो अब देखिए, इस तरह के इश्यूज इतने ज़्यादा क्रिएट हो गए इन एरिया में कि 2020 में आप देखेंगे कि बात सिर्फ यहाँ तक नहीं रुकी, एक रिपोर्ट बनाई गई ICC इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के मेंबर्स के हाईलाइट कराने पे इशू कि भाई यूक्रेन के बॉर्डर्स पे रशियंस इन्वेड कर रहे हैं, अटैक कर रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं। इस पे रिपोर्ट बना के ICC में सबमिट की गई कि रशिया के ऊपर एक्शन लिया जाए, लेकिन क्योंकि रशिया रोम स्टैचर, जिसके अंदर ICC को फॉर्म किया गया था, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को फॉर्म किया गया था, उसकी मेंबरशिप छोड़ चुका है, और इसीलिए ICC ने एक्शन लेने से मना कर दिया। लेकिन ये बात वापस से इस रिपोर्ट से प्रूव हुई कि 2014 में जो रशिया ने किया था, इट वॉज नथिंग लेस देन अ शियर ओपन एग्रेशन। अच्छा, अब शियर ओपन एग्रेशन के बाद आप ये भी देखेंगे कि प्रो रशियन रेबल्स जो थे, उन्होंने मलेशियन एयरलाइंस का एक प्लेन भी गिरा दिया था 2014 में, जिसमें 298 लोगों की डेथ हो गई थी, ठीक है, उसकी भी कोई जवाबदारी नहीं हुई। तो इस तरह की बहुत सारे इश्यूज एक के बाद एक यूक्रेन में बढ़ते जा रहे हैं। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि एक्चुअली यूक्रेन और रशिया में इशू हो क्यों रहा है, प्रॉब्लम है क्या, ठीक है। तो पहले मैं आपको 2014 से अभी तक की क्राइसिस और उसके रीजंस बता देता हूँ, और उसके बाद मैं एक आपको जेनेरिक आइडिया दे दूंगा कि सोवियत यूनियन और यूक्रेन की कहानी है क्या, ठीक है। तो देखो, 2014 में हुआ क्या कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट थे पेट्रो पोरोशेंको, ठीक है। अब हुआ ये प्रॉब्लम ये हुई कि ही वॉज एन ऑलिगार्क, ठीक है, वो अपने करप्ट थे ही, और करप्शन के साथ साथ वो अपने आप को प्रॉफिट करा रहे थे, और उसके चक्कर में यूक्रेन का भला नहीं होने वाला था, ठीक है। जब प्रेशर बनना शुरू हुआ, उनके ऊपर प्रोटेस्ट शुरू हुए, तो उन्होंने एक फ्लाइट पकड़ी और वो खुद ही चले गए रशिया, और उसके एक हफ्ते बाद रशिया ने यूक्रेन के इस हिस्से पे अटैक कर दिया और क्रिमियन पे कब्जा कर लिया। अब ये रशिया ने क्यों किया, उन्होंने पेट्रो पोरोशेंको को अपने यहाँ क्यों जगह दी, रीज़न ये था कि यूक्रेन वॉज गेटिंग क्लोज एंड क्लोज टू नेटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एक अमेरिकन इनिशिएटिव है 1949 में टू रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ कोल्ड वॉर, कोल्ड वॉर में जो रशियन इन्फ्लुएंस है, जो सोवियत इन्फ्लुएंस था, उसको कम करने के लिए। जब सोवियत यूनियन खत्म भी हो गया, नेटो एग्जिस्ट करता रहा, और उसके बाद से नेटो एक तरीके से वेस्टर्न यूरोपियन का सिक्योरिटी रिजीम बन गया टू सिक्योर वेस्टर्न यूरोप अगेंस्ट रशिया, ठीक है। यूक्रेन जो कि पहले सोवियत यूनियन का पार्ट था, अब रशिया बिल्कुल नहीं चाहता कि वो वेस्टर्न यूरोप की तरफ चला जाए, और अगर यूक्रेन नेटो का मेंबर बन जाता या फिर यूरोपियन यूनियन का भी मेंबर बन जाता तो वो चीज़ चेंज हो जाती, तो रशिया ये बिल्कुल नहीं चाहता था। और इसीलिए कहा गया कि रशिया ने कहा कि यहाँ कुछ इश्यूज क्रिएट अगर हो जाएं तो यूरोपियन यूनियन ओपन मार्केट में भी एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगी यूक्रेन को, और नेटो में तो एक्सेप्टेंस बिल्कुल नहीं मिलेगी, ठीक है। सो ये वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है जो आपको होनी चाहिए। अब इसके बाद क्या हुआ, पेट्रो पोरोशेंको के जाने के बाद एक गवर्नमेंट बनी, उसके बाद फिर वापस इलेक्शन हुए, और आप 2018-19 में देखेंगे कि नए प्रेसिडेंट बन के आए व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, ठीक है। और व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने पावर में आने के बाद एक बार बात भी की कि वो व्लादिमीर पुतिन से बात करके इन पूरे इश्यूज को रिजॉल्व करना चाहते हैं, लेकिन रिजोल्यूशन की ओर आगे कोई बढ़ नहीं पाया। अच्छा, अब एक चीज़ और आपको बतानी है कि भाई अगर कोई आपसे पूछते कि भाई ऐसे कैसे रशिया ने किसी की ज़मीन पर कब्जा कर लिया, क्या हो गया, तो देखिए रशिया भी तो अपनी एक्सप्लेनेशन देगा कि हमने कैसे कब्जा कर लिया। तो रशिया का कहना ये है कि देखें, ये जो ब्लैक सी का पूरा एरिया है, ठीक है, और ये कर्च के पास पास का जो पूरा एरिया है, ये हमेशा से रशियन स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस रहा है। क्या रहा है? रशियन स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। अब अभी से नहीं, ये ज़ार अलेक्जेंडर यानी ज़ार निकलस से भी पहले, ठीक है, 18th century से ये रशिया यहाँ पे एक्टिव रहा है, क्योंकि दिस इज़ द रूट टू गेट आउट ऑफ रशियन एम्पायर। बट हुआ क्या, हुआ ये कि ये पर्टिकुलर जो पूरा पेनिनसुला है, ये एरिया, ये इस एरिया का जो कंट्रोल था वो मुश्किल हो जा रहा था रशिया के लिए, क्योंकि यहाँ बीच में अगर आप देखेंगे
तो यहाँ बीच में सी थी और इसके ऊपर ब्रिज बनाना पॉसिबल नहीं था, उस समय इतनी टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं थी। यूक्रेन क्योंकि बाई लैंड कनेक्टेड था क्रिमिया से, रशिया ने, क्योंकि रशिया भी सोवियत यूनियन का पार्ट था, यूक्रेन भी सोवियत यूनियन का पार्ट था, रशिया से लेकर जो सीनियर कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर्स थे, उन्होंने 1950s में ये पूरे का पूरा एरिया, ये पूरे का पूरा एरिया जो है वो किसको दे दिया, यूक्रेन को। ओके, और इस तरीके से क्रिमियन पेनिनसुला की मेजॉरिटी पॉपुलेशन रशियन होते हुए भी वो यूक्रेन के पास आ गए। लेकिन 1991 में जब यूक्रेन अलग हुआ एज ए सेपरेट कंट्री, तो क्रिमिया फिर वापस रशिया को नहीं दिया गया, वो यूक्रेन के साथ ही अलग हो गया। और इसीलिए आपको लोकल लोग जो हैं क्रिमिया के, वो यही चाहते हैं कि वो रशिया के साथ रहें, और रशिया भी बार बार क्रिमियन पेनिनसुला पे अपना क्लेम करता है। जियोपॉलिटिकल रीज़न ये है कि अगर क्रिमियन पेनिनसुला पे रशिया का कंट्रोल रहेगा तो ये जो एक्सेस है वो रशिया कंट्रोल करेगा। ठीक है, ये करने के साल भर के अंदर ही आप देखेंगे कि रशिया ने, मैंने जो ब्रिज की बात की कि वो ब्रिज ना होने की वजह से क्रिमिया यूक्रेन को दे दिया गया था, वो 1953 की बात थी, अब 2020 है, और इसलिए आप देखेंगे 2017 तक ही व्लादिमीर पुतिन ने ये ब्रिज बनवा के रेडी करा दिया, जिससे कि मेन लैंड रशिया को मेन लैंड क्रिमिया से कनेक्ट किया जा सके, और बाद में कोई ये ना बोले कि भाई अब कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है। खैर, ये सारी बात हो गई, जो मैंने आपको चीज़ें बताई वो आपके सामने स्क्रीन पे हैं, एक बार मैं रीड आउट कर देता हूँ कि देखिए, रशियन एम्पायर 1783 से उनके पास है पूरे का पूरा, रशियन एम्पायर में क्रिमिया और बाकी हिस्से। 1922 में सोवियत यूनियन इस्टेब्लिश हुआ, देखिए बोल्शेविक रेवोल्यूशन हुआ था 1917 में, 1922 में एक सोवियत यूनियन बना, उसके पहले प्रेसिडेंट एक तरीके से लेनिन बने। ठीक है, 1945 में क्रिमिया जो है उसको सोवियत रिपब्लिक से सेपरेट किया गया। 1945 से 54 तक क्रिमिया वॉज पार्ट ऑफ सोवियत सोशलिस्ट USSR, सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिकन। ठीक है, और 1954 में क्रुश्चेव ने क्रिमिया को ट्रांसफ़र कर दिया था यूक्रेन के पास। ठीक है, 1991 में यूक्रेन के साथ क्रिमिया अलग हो गया और वहाँ से ये प्रॉब्लम शुरू हो गई। तो अगर आपसे कोई पूछे कि कैसे यूक्रेन के अंदर रशियन एथनीसिटी के लोग कहाँ से आ गए, तो उसके दो रीज़न। पहला बेसिक रीज़न ये कि वो फ्रॉम 12th सेंचुरी ऑनवर्ड टू हैव एक्सेस टू लिव नियर द ओशन, टू लिव नियर द सी, जहाँ पे ट्रेड अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत सारे हिंटरलैंड रशियंस यूक्रेन के बॉर्डर एरियाज में आ गए। और अगली बात क्या हुई, अगली बात ये हुई कि क्रिमियन पेनिनसुला जो है उसका इस तरीके से लेना देना, उसको बार बार उसकी टेरिटोरियल चेंजेस, उसकी ओनरशिप को चेंज किया गया, और इसीलिए ये पूरी क्राइसिस हुई। ठीक है, तो बेसिक क्राइसिस आपको समझ में आ गई, बार बार एक्टिविटी वहाँ हो रही है वो भी आपको बता दिया गया। इसका अल्टीमेट अब आउटकम ये है कि व्लादिमीर ज़ेलेंस्की इज़ अगेन इन टच विद यूनाइटेड स्टेट्स और यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट के साथ। एट द सेम टाइम ही इज़ ऑल्सो इन टच विद यूरोपियन यूनियन लीडर्स। यूरोपियन यूनियन लीडर्स आर ट्राइंग टू मेक बिल्ड मोर एंड मोर प्रेशर ऑन व्लादिमीर पुतिन। ठीक है, और साथ ही साथ जो बाइडेन भी कोशिश करेंगे कि वो जितना ज़्यादा हो सके व्लादिमीर पुतिन के ऊपर प्रेशर बनाए। सो अब इसका पूरा आउटकम क्या होगा, फाइनली क्या सॉल्यूशन निकलेगा, क्या कभी यूक्रेन को क्रिमिया वापस मिल पाएगा, विच इज़ वेरी रेयर चांस, बट ऐसा होने का हो भी सकता है अगर कोई और सिचुएशन क्रिएट हो, शायद अगर कोई और इकोनॉमिक डिफिकल्टी आए रशिया के सामने और कोई ट्रीटी साइन हो जाए इन एक्सचेंज ऑफ अमेरिकन सेक्शन हटाने के। लेकिन वो जब होगा उसको अपडेट किया जाएगा। बाय नाउ यू नीड टू नो कि नथिंग न्यू अपडेट इज देयर, रशियन मिलिट्री इज एक्चुअली वेरी एग्रेसिव ऑन द यूक्रेनियन बॉर्डर। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी न्यूज़ आपको जाननी थी, ये पूरी का पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझना था, यूक्रेन क्रिमिया और रशिया के इश्यूज़ क्या हैं वो समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलिए, ICC के बारे में मैंने आपकी थोड़ी सी बात की थी, इसलिए मैं ICC के बारे में आपको वापस बता दूं, क्योंकि मैंने हेग में सिचुएटेड ICC का मेंशन अभी किया था, और मैंने भी बताया था कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है वो रोम स्टैचर के थ्रू काम करता है। तो रोम स्टैचर की थोड़ी सी बात कर दूं मैं, नहीं तो कुछ स्टूडेंट्स कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। देखिए, ICC जो है ना उसको बहुत लेट अभी डेवलप किया गया है, ये ICJ नहीं है, ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस नहीं है, इसका यूनाइटेड नेशन से डायरेक्टली कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ये स्पेसिफिकली इसलिए बनाई गई थी, ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मेन एम है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो क्रिमिनल ऑफेंसेस हैं, फॉर एग्जाम्पल क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, वॉर क्राइम के जो केसेस हैं उनको हैंडल किया जाए। अमेरिका, रशिया जैसी कंट्रीज जो हैं उन्होंने इनिशियली ICC के लिए हामी भरी थी, ICC को एक्सेप्ट भी किया था, रोम स्टैचर को साइन भी किया था रशिया ने, लेकिन रशिया ने फिर जब देखा कि ना यूनाइटेड स्टेट्स ने ICC पे हेग कन्वेंशन रोम स्टैचर को साइन किया और हेग में जाके ICC के मेंबर बने, ना अमेरिका बना, ना चाइना बना, ना इंडिया बना, तो अल्टीमेटली रशिया ने भी अपने आप को ICC की एक्सेप्टेंस जो दी थी उन्होंने वो उससे वापस ले लिया, और इसलिए यूक्रेन जितना भी चाहे वो एक केस लेके ICC में व्लादिमीर पुतिन या रशिया के अगेंस्ट नहीं जा सकते।
ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको जानने ज़रूरी थे। लेट मी रिमाइंड यू अगेन कि आपका जो यूपीएससी का जो सीएससी सब्सक्रिप्शन ऑफर था, जिसमें स्टूडेंट्स को ऑफर दिया जा रहा था, क्योंकि अगले साल की डेट को लेके इशू है कि वो अपने पूरे के पूरे सब्सक्रिप्शन को एक्सटेंड करा सकते हैं, वो ऑफर जो है वो अप्रैल 28 तक बढ़ा दिया गया है अकेडमी की तरफ से। तो इसको जल्दी से करा लें, जल्दी से अपडेट कर लें। अगर सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो एक साल का सब्सक्रिप्शन लेकर उसको एक्सटेंड भी करा लें, अप्रैल तक कर लें और उसको एक्सटेंड करा के जुलाई तक करा लें। मेक श्योर यू डू दैट। ये करने के लिए SPYT कोड यूज़ कर लेंगे और आप ये ऑफर आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा कोई और क्वेरी, कोई क्वेश्चन होगा तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर लेंगे। कॉम्बैट के लिए खुद को रजिस्टर कर लें, हर संडे को सुबह 11 बजे टेस्ट होता है, उसमें पार्टिसिपेट करें। एंड दैट विल बी ऑल फॉर नाउ। थैंक्स अ लॉट फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। मेक श्योर कि एंशियंट की क्लासेस भी करें और मॉडर्न हिस्ट्री वाली क्लासेस 11:30 पे भी करें। ओके, थैंक यू।